व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल करने से गुस्साई दो महिला कंडक्टरों ने हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह के हमीरपुर पहुंचने पर उनका स्वागत करते समय अपना गुबार निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिला कंडक्टरों ने हार पहनाने के बहाने शंकर सिंह पर झपट पड़ी और धक्का मुक्की के दौरान उस समय मौजूद पुलिस कर्मियों ने बड़ी ही मशक्कत से उन्हें छुड़ाया। वहीं दूसरी महिला ने हाथ में चप्पल लेकर शंकर की पिटाई भी कर दी। आपको बता दें कि एचआरटीसी हमीरपुर डिपो में तैनात एक अन्य महिला कंडक्टर सोनू की शंकर सिंह से लंबी बातचीत फोन पर हुई थी और इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी गई। ऑडियो में दो महिला कंडक्टरों के चरित्र के बारे में बातचीत की गई तो साथ में एचआरटीसी के डीएम के बारे में भी बातें हुई। ऑडियो वायरल होने के बाद गुस्साई महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह के हमीरपुर पहुंचने पर अपनी भड़ास निकाली और चप्पल लेकर पिटाई भी कर दी, जिस पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाना पड़ा। एचआरटीसी महिला कंडक्टरों ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत वे कंडक्टर तैनात हैं और डिपो में एक महिला कंडक्टर ने शंकर सिंह के साथ फोन पर उनके बारे में झूठी बातें कही और चरित्र पर उंगली उठाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस बारे में शंकर को माफी मांगनी चाहिए। इतने मारी वीडियो वायरल की है ना, हां जी वायरल की है ना बिना ऑडियो, किसने वायरल किया आपके? शंकर सिंह। नहीं, बात क्या हुई थी इस पर, किसने बनाई थी और वीडियो? इन दोनों की हुई थी, सोनू और शंकर सिंह की जो हुई है ना बात आपसे मैं, और बाद में इन्होंने बात रिकॉर्ड की और हिमाचल में सारी वायरल की इन्होंने हमारी ऑडियो, जो भी ना सबूत किए हैं। हमें अपने जितना मूल चाहिए इनसे, हम पूछेंगे कि इनके पास क्या सबूत है। हम के क्वार्टर में जाके खाना बनाते हैं, हम ड्यूटी करने आते हैं, खाना बनाने नहीं आते हम। हमारी नीचे जाके ड्यूटी चेक करो, हमारे पास ड्यूटी जितनी भी है। हम रोज नाइट लेके घर को जाती है सर, डेली हमने कब इनके यहाँ खाना बनाया, कब इनके यहाँ रात को रहे। जब हमने सोनू वर्मा को पूछा कि आपने क्यों किया ऐसा, तो बोल रही थी अभी कहाँ, अभी हम उसने धमकी दी, बोला अभी कहाँ हुआ कुछ भी, अभी आगे देखो अब मैं क्या क्या करती हूँ, ऐसा ऐसा बोला उसने। हमने ईमानदारी से नौकरी की, सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 8-9 बजे घर पहुँचते हैं सर। 3 साल हो गए हमें। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें हमारी जितना मूल चाहिए, जो हमारे ऊपर जो दाग लगा है उसको ये शंकर सिंह जो है वो हटाए। क्यों उसने किया ऐसा? क्यों हमारी दुश्मनी थी, हमने तो कभी, हम उसको भगवान की तरह मानते थे सर। हम सोचे चलो वो आया वो हमें न्याय दिलाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि वो इसका परिवहन इसका कनेक्टर लीडर है वो, तो हमारे भी सुनेगा सर। हम इसमें कौशल विकास भत्ते में लगे हुए हैं, तो चलो हम अपनी इसके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि हमें इतने 3 साल हो गए लगे हुए, और जो ये लेडीज बोले कि 3 साल, उसे अभी 1 साल नहीं हुआ, झूठ बोल रही है। इसने झूठ बोला, 3 साल तो हमें हुए हैं, पीछे से लगे 2015 से लगे हुए हैं, और ये तो अभी लगी हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा कि दोनों कंडक्टर महिलाओं ने किसी षड्यंत्र के तहत उनके पास आई और महिला ने गले में हार डालने के लिए कहने लगी, लेकिन मना करने पर गाली गलौज करने के साथ साथ हाथापाई पर उतर आई। ऑडियो वायरल करने पर शंकर सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फोन पर महिलाओं के बारे में बात होने की बात भी उन्होंने कबूली। कौशल भत्ते पर 2.5 महीने की ट्रेनिंग पर काम करती है, वो हार लेकर किसी षड्यंत्र के तहत स्टेज पर पहुंची और एक महिला ने मुझे हार गले में पहनाने की बात कही। तो हम हिंदू संस्कृति के वाहक हैं, महिला केवल अपने पति को ही हार डाल सकती है, तो मैंने उनका आदर मान करते हुए हार को, एक महिला से हार को अपने हाथ में पकड़ा, और दूसरी महिला और दोनों महिलाएं वो बाद में गाली गलौच और धक्का मुक्की, और कुल मिलाकर के हमारी इस एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम को फेल करने के नज़रिए से यहां पर आई थी, और जिसको सभी कार्यकर्ताओं ने सूझबूझ के साथ, और बाद में यहां पर जो पुलिस के कर्मचारी थे उन लोगों ने एसपी से बात करके महिला कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को बुलाया और वो यहाँ से चले गए। मैंने उनके बारे में कोई ऑडियो वायरल नहीं किया, लेकिन एक महिला यहाँ पर वो भी कार्यकर्त थी, वो सारी महिलाएं शिमला में परिवहन मंत्री से मिलने गई थी, तो वो सारी मिलने गई थी, वहाँ पर भी मुझे मिली थी, और उन्होंने कहा था कि हमारी मांग रखो। हमने अपने मांग पत्र में सारी बातें सरकार से और परिवहन मंत्री से और निगम प्रबंधन से सारी डिस्कस की है,
और इस प्रकार से जो ऑडियो जो वायरल की बात करी, तो एक महिला ने यहाँ से फोन किया था, तो उसमें उस अधिकारी के बारे में भी ये बताया गया था कि वो महिलाएं जब ढाई महीने काम करती, ढाई महीने का उनका कार्यक्रम था ट्रेनिंग का, नियमानुसार परिवहन निगम में नियमानुसार केवल ढाई महीने, तो उस जो यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी था मंडलीय प्रबंधक, उसकी कृपा से वो तीन तीन साल से बिना किसी नियम कानून के वो यहाँ पर एचआरटीसी में काम करती रही, और उसकी जब उसकी यहाँ से तबादला हुआ है तो लगता है कि उसके षड्यंत्र के अनुसार ही ये सारा वायरल हुआ। तो महिला ने कहा था कि वो महिलाएं उनके निवास पर खाना बनाने जाती हैं, और ऐसा उनके नहीं लेकिन कई लोगों से औरों से भी सुनने में आया था, तो ऐसी कोई बात हमने कोई बदसलूकी उनके साथ नहीं की है। और जो वायरल हुआ है वो आपको भी मैं सुना सकता हूँ, आपको भी सुना सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की हमारी ना संस्कृति रही है। अगर इस प्रकार का हमारा रहता रवैया तो परिवहन मजदूर संघ को पूरे प्रदेश में इस प्रकार का मान सम्मान नहीं मिलता।